हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टैन ए इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखिए, इसमें हमें जो गिवन है उस वो है tan a इज इक्वल टू 1/√3, और इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना है एक्सप्रेशन वो हमें गिवन है sin a cos c प्लस cos a sin c। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू गिवन है वो है tan a इक्वल टू 1/√3। तो tan का फॉर्मूला हमें मालूम है p/b, तो p/b किसके इक्वल हो गया 1/√3। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1x। p के सामने 1 है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1x, बी के सामने √3 है तो बी की वैल्यू √3x हो जाएगी। अब अगर हम इस ट्रायंगल को बनाएं, राइट एंगल ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल, यहाँ बी, ये ए, और ये हमने ले लिया सी। अब देखिए, एंगल अंडर कंसिडरेशन है हमारा ए, क्योंकि हमें tan a गिवन है तो a इज द एंगल अंडर कंसिडरेशन। उस हिसाब से जो 90 के सामने वाली साइड हुई वो हुई हमारी हाइपोटेन्यूज, a के सामने वाली साइड हुई परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड है वो हुई हमारी बेस। तो ये ac हाइपोटेन्यूज, bc परपेंडिकुलर और ab बेस। तो अब हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर और बेस ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, लेकिन थर्ड यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू √3x प्लस बी सी यानी कि परपेंडिकुलर वो है हमारे पास, यहाँ देखिए 1x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस 1x² इज इक्वल टू 4x². तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4x². तो ए सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी √4x² यानी कि 2x। ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास पी, बी और एच तीनों वैल्यूज़ हैं। तो साइन ए देखिए यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है और कॉस ए हमें रिक्वायर्ड है। ये दो एंगल्स हैं या ये दो रेशियोज़ हैं जो हमें एंगल ए की रिस्पेक्ट में फाइंड करने हैं। तो क्योंकि हमने ये जो फिगर बनाई है इसमें एंगल ए की रिस्पेक्ट में ही हमने एच, पी और बी कैलकुलेट करे हैं, तो यहीं के यहीं हम पहले ये दो रेशियोज़ भी फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए का फॉर्मूला हमें मालूम है p/h है। पी यानी कि बी सी, पी हमारे पास था 1x, h यानी कि ए सी अभी हमने कैलकुलेट करा है 2x। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। इसी तरह से हम यहाँ पर कॉस की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अब कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला जो है इसको हम दूसरी साइड पर लिख लेते हैं। देखिए, कॉस ए इस फिगर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, कॉस का फॉर्मूला है हमारे पास b/h, बी यानी कि ए बी √3x यहाँ पर हमारे पास है, अपॉन एच,
एच यानी कि ए सी हमने कैलकुलेट करा है 2x, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई √3/2। अब जो दूसरी रेशियोज हमें रिक्वायर्ड हैं वो है कॉस सी और साइन सी। तो यहाँ पर ये साफ है कि हमें ये जो दो रेशियोज कैलकुलेट करने हैं ये एंगल सी की रिस्पेक्ट में हमें करने होंगे। तो ये जो हमने अभी तक डाटा कलेक्ट करा है ये सब एंगल ए की रिस्पेक्ट में करा है। अब एंगल सी की रिस्पेक्ट में भी हमें रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम इस फिगर को एक बार दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा बी सी और ए, इस बार एंगल अंडर कंसिडरेशन है सी, तो फिर से हम एच पी और बी निकालेंगे। 90 के सामने वाली साइड एच, सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड इज बेस। तो एच पी और बी, अब एच पी और बी की वैल्यूज वही रहेंगी जो इस फिगर में थी, क्योंकि फिगर हमारी सेम है तो साइड्स की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एंगल जैसे ही चेंज होगा तो पी और बी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसमें पी था हमारा बी सी और बेस था ए बी, इसमें देखिए पी बन गया ए बी, इसमें पी था बी सी, इसमें पी बना ए बी, इसमें बेस था ए बी और इसमें बेस हो गया बी सी। तो पी और बी की हमारी पोजीशन चेंज हो गई, इस वजह से हमारे कॉस सी और साइन सी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देखिए हम इसमें अगर कैलकुलेट करें तो साइन सी का फॉर्मूला हमारा होगा P/H। अब इस केस में जो P है वो है हमारा AB और जो H है वो है हमारा AC। और देखिए AB की जो वैल्यू थी हमारे पास, AB की जो वैल्यू थी हमारे पास वो देखिए यहाँ पर कितनी थी √3x, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं √3x। और AC की वैल्यू हमने यहाँ कितनी कैलकुलेट करी 2x, तो ये हमारे पास निकल कर आ गया √3/2। इसी तरह से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे cos C का फॉर्मूला B/H, B बेस यानी कि BC, और BC की वैल्यू यहाँ कितनी थी हमारी 1x / H, एच है इस केस में AC, और AC की वैल्यू कितनी हमारे पास आई थी यहाँ पर 2x, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2x। तो इस तरह से cos C की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अब क्वेश्चन में जो हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना था वो था साइन ए cos C प्लस cos ए साइन C। तो हम इस एक्सप्रेशन को जो हमें फाइंड करना है यहाँ पर फिर से उतार लेते हैं, साइन ए cos C प्लस cos A sin C। ये हमने एक्सप्रेशन उतार लिया, अब यहाँ पर हम वैल्यूज उतार लेंगे। साइन ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमारे पास थी 1/2 इंटू cos C की वैल्यू 1/2 प्लस cos A की वैल्यू थी हमारे पास √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। तो अगर हम इसे सॉल्व करें 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल कर आ गई। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब इसी डाटा पर बेस्ड जो हमें करना है वो एक एक्सप्रेशन और फाइंड आउट करना है। जो सेकंड एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है वो है cos A cos C - sin A sin C। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इसी फिगर पर और टैन ए जो 1/3 गिवन था इसी डाटा पर बेस्ड है, तो इसलिए मैं ये पार्ट दोबारा से यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ, और जो हमने यहाँ कैलकुलेशंस करी हैं वो वही रहने देते हैं, और जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ cos A cos C। ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का।
माइनस साइन ए साइन सी। देखिए कॉस ए हमने कैलकुलेट किया था रूट थ्री बाय टू इंटू, कॉस सी हमने कैलकुलेट किया था वन बाय टू माइनस साइन ए, साइन ए हमने कैलकुलेट किया था वन बाय टू साइन सी, साइन सी हमने कैलकुलेट किया था रूट थ्री बाय टू। तो अगर हम इसे सॉल्व करें रूट थ्री बाय फोर माइनस रूट थ्री बाय फोर, तो दिस कम्स आउट टू बी ज़ीरो। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट की सॉल्यूशन। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सेज इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। देखिए सबसे पहले इसमें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हम एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये फिगर में जो 90 डिग्री का एंगल है वो क्यू पर है, ये हमने पी ले लिया और ये हमने आर ले लिया। अब इस क्वेश्चन में हमें जो डाटा गिवन है वो ये है पी आर प्लस पी सॉरी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है डाटा। और हमें फाइंड ये हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड हमें तीन चीज़ें करनी है साइन पी कॉस पी और टैन पी। तो यहाँ से ये हमें बिल्कुल क्लियर है कि जो एंगल अंडर कंसिडरेशन हमें लेना है वो है एंगल पी। तो यहाँ पर हम इस एंगल को मार्क कर लेंगे। अब इसके हिसाब से हम एच पी और बी देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। ये 90 है तो इसके सामने वाली साइड बनी एच, एंगल अंडर कंसिडरेशन इज पी, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो बनेगी हमारी परपेंडिकुलर और जो रिमेनिंग साइड है वो हो गई हमारी बेस। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें एच पी और बी, ये हमारे कौन कौन से बने, एच बना पी आर, परपेंडिकुलर बना क्यू आर और बेस बना पी क्यू। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो सिर्फ पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास सिर्फ इनके सम की फॉर्म में गिवन है, तो हमें ये दोनों वैल्यूज अलग अलग भी कैलकुलेट करनी होगी। वो कैसे करेंगे, देखिए हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो हम एज्यूम कर लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो यहीं से हम पी आर की वैल्यू निकालते हैं, वो बनी 25 माइनस क्यू आर। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम बनेगी हमारी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू हमारे पास है 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्यू की वैल्यू थी हमारे पास 5 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर को हम एज सच ले लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, पी आर को हमने क्यू आर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो इस तरह से हमारे पास इस एक्सप्रेशन में अब सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल आ गया क्यू आर। अगर हम पी आर को कन्वर्ट नहीं करते तो हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल्स बन जाते पी आर और क्यू आर, जो कि हमारे लिए फाइंड करना
पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने पीआर को क्यूआर की टर्म्स में चेंज कर दिया। अब इसको हम सिंपली एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, या हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइव का स्क्वायर हुआ 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 इंटू 25 50 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं 625, इस 25 को मैं इधर ले आती हूँ, इज इक्वल टू ये वाला क्यू आर स्क्वायर, इस क्यू आर स्क्वायर को भी हम शिफ्ट कर देंगे और माइनस 50 क्यू आर को भी हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा प्लस 50 क्यू आर। देखिए क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, इनको सब्ट्रैक्ट करके 600, तो यहाँ हमारे पास बचा 50 क्यू आर, तो 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 600 अपॉन 50 यानी कि 12, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। और पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, यहाँ पर देखिए पी आर था हमारा 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर हमारा आया 12, तो इसकी वैल्यू बन गई 13। तो यहाँ पर हम उस वैल्यू को लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, और अब हमें जो फाइंड करना है साइन पी कॉस पी और टैन पी, ये हम सिंपल फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए साइन पी का फॉर्मूला हमें पता है, पी अपॉन एच, पी कितना है हमारे पास 12 और एच कितना है 13, तो साइन पी की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई 12/13। अब हमें फाइंड करना है कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, बी हमारे पास कितना है 5 और एच कितना है हमारे पास 13, तो कॉस पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/13। अब हमारे पास क्या बचा फाइंड करने के लिए, हमारे पास बचा टैन पी, टैन पी का फॉर्मूला भी हमें मालूम है पी अपॉन बी, पी की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 5। तो ये तीन वैल्यूज थी जो हमें फाइंड करनी थी, साइन पी कॉस पी और टैन पी, वो हमने बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर ली। ये वो तीन वैल्यूज हैं जो हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस ज़रूर समझ में आई होंगी, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके कमेंट्स और डाउट्स भी वेलकम है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की भी ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।